वेलकम करते हैं आप सब लोग एक और एफएफटेक की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फाल्को पेट की एबिलिटी। जी यहाँ पर टोटली चेंज हो चुका है फाल्को पेट की एबिलिटी, गाइस पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा चेंज करके कर क्या दिया है फाल्को पेट की एबिलिटी। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो आती रहती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें सबसे पहले फाल्को पेट की क्या थी, ठीक ना। तो देखिए फाल्को पेट की एबिलिटी पहले थी कि आप लोग जो ना थोड़ा सा नॉर्मल लैंडिंग से थोड़ा सा या 15% आप लोगों को ज्यादा आगे लैंडिंग कराएगा और बहुत तेज लैंडिंग कराएगा। यानी कि जो फाल्को नहीं लगा के लैंडिंग कर रहा था उससे पहले हम लोग उतर जाते थे और उससे ज्यादा दूर तक उतर देते। तो ये थी एबिलिटी इसकी। लेकिन अब चेंज कर दिया इसको एबिलिटी। देखिए क्या कर दिया, मैं दिखा देता आप लोग को। सबसे पहले मैं नॉर्मल यानी कि बिना फाल्को का लैंडिंग करके दिखाता हूँ आप लोग को, उसके बाद फाल्को की लैंडिंग करके दिखाऊंगा आपको। तो गाइस ये है बिना फाल्को की लैंडिंग और यहाँ पर मैं मतलब मार्क लगाता था 600 मीटर पर जंप करूंगा। और देखिए गाइस यहाँ पर मैं ना फाल्को नहीं लगाया हूँ, देख सकते हो गाइस आप लोग, यहाँ पर मैं ये वाला पेट लगाया हूँ जो कि मिस्टर वेगर है जो मतलब ग्लोबल देता है। तो गाइस यहाँ पर मैं लैंडिंग कर रहा हूँ, ठीक ना। देखिए 600 मीटर हुआ, मैंने जंप किया, 592 हुआ था तो मैंने जंप किया। अब देखिए गाइस जंप करते हैं तो कहाँ पर चलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो देखिए गाइस मैं थोड़ा सा फास्ट करके आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे। तो गाइस देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैं ना यहाँ पर आ चुका हूँ जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर जहाँ पर मैंने जंप लगा उससे 20 मीटर थोड़ा सा मैं इधर उतरा, ठीक ना, 20 मीटर, ठीक ना। यानी कि 600 में 20 मीटर यानी कि 580 मीटर मैंने जंप किया, ठीक ना। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैं फाल्को लगा के आप लोग को जंप करके दिखाता हूँ। चलिए गाइस मैंने फाल्को यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर फाल्को लगाने के बाद यहाँ पर मैं टिक लगाता हूँ 600 मीटर और जैसे मैं यहाँ पर जंप करता हूँ, ठीक ना, देख सकते हो गाइस 550 हुआ था। तो गाइस यहाँ पर 15 मीटर थोड़ा सा लेट हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक ना, देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैं जंप कर रहा हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ऐसे नॉट वीडियो आती रहती है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। अरे गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस थोड़ा सा मैं आगे निकलने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें लेट लैंड किया था। आप लोगों को पता है कि 585 मीटर पर लैंड किया था तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो रहा है। और देख सकते हो गाइस उतना ही एकदम पहुंचने वाले हैं, देख सकते हो, देख सकते हो गाइस थोड़ा सा 15 मीटर पीछे हो गए। तो यहाँ नहीं कि पूरा टोटल यहाँ पर 600 इसमें भी और उसमें भी दोनों इक्वल समय पर लैंडिंग किया, इक्वल मतलब डिस्टेंस पर लैंडिंग किया। गाइस ये डिस्टेंस में तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो गाइस एबिलिटी चेंज करके क्या कर दिया वो बता दो। देखिएगा इसका एबिलिटी जो है ना चेंज करके आप लोगों को क्या कर दिया, देख सकते हो गाइस यहाँ पर देखोगे तो लिखा है गाइस यहाँ पर देख सकते हो, डिसेबल एनिमी ऑटो एम विल द ऑनर इज पैराशूटिंग। यानी कि गाइस अगर आप पैराशूट से लैंड कर रहे हो तो आप लोग का एम नहीं लगेगा, नीचे से कोई आपको फायर करेगा आपके ऊपर तो आप पर एम नहीं लगेगा। लाइक जैसे कि गाड़ी पर एम नहीं लगता गाड़ी वाला करेक्टर लगाने के बाद, उसी प्रकार से आप पैराशूट से उतर रहे हो तो आप लोग का एम नहीं लगेगा ये लगा लेते हो। तो ये इसका एबिलिटी चेंज कर दिया। तो हालांकि इसको एबिलिटी चेंज करके बहुत ज्यादा बेकार कर दिया था, पहले फाल्को का यूज बहुत ज्यादा होता था बीआर में और अब तो गाइस तकरीबन ना ही के बराबर समझ जाओ। तो इसका बेकार कर दिया एबिलिटी। एनीवे आप लोगों के लिए क्या कर दिया, अच्छा किया या फिर बेकार कर दिया, आपके पास फाल्को है या फिर नहीं है कमेंट करके जरूर जरूर बता रहे। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।